हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग विद पूनम एंड ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों, मई की जो गर्मी है बहुत ज़्यादा हो रही है दोस्तों। अभी इतना टेम्परेचर हो गया है तो जून में तो पता नहीं क्या हाल होगा। अब जून की गर्मी के लिए हमें अपने प्लांट्स को तैयार करना है कि वो इस गर्मी को फेस कर पाएँ आसानी से। तो दोस्तों, आजकल हम उसी के कामों में लगे रहते हैं कि जैसे विंटर में डोरमेंसी का पीरियड होता है, वैसे ही जो जून का मंथ आता है प्लांट का, वो भी एक डोरमेंसी का पीरियड की तरह होता है। इस टाइम पर प्लांट अपनी ग्रोथ रोक देते हैं और जो इतनी तेज़ गर्मी पड़ती है दोस्तों, उसको फेस करते हैं। तो चलिए, आज मैं उसी से रिलेटेड आपको मैं बताऊंगी कि जो हमारे जेरेनियम के मेरे प्लांट हैं उसकी मुझे कैसे केयर करनी है, क्या क्या मुझे काम करना है इस वक्त पे। तो उससे पहले देखिए, ये मैंने शेड में अपने प्लांट्स रखे हैं। रेगुलर मैं इन पर मिस्टिंग करती रहती हूँ पानी की, और साथ साथ पानी भी देती रहती हूँ दोस्तों, क्योंकि इस वक्त में प्लांट्स को बहुत ज़रूरत है मिस्टिंग की, तो ये ज़रूर करना है। तो ये देखिए, ये है मेरी अलमंडा की वाइन, और इस टाइम पर मैं अपने सारे जो सूखे पत्ते होते हैं मैं कोई भी अपने उसमें नहीं छोड़ती, क्योंकि मुझे बहुत वो लगता है प्लांट ख़राब दिखता है। और ये देखिए, अगर आप किसी प्लांट को सपोर्ट ना भी दें दोस्तों, फिर भी वो अपने लिए सपोर्ट ढूंढ ही लेता है। यहाँ देखिए, इसने कैसे ऊपर चढ़ रही है मेरी एलमेंडा की वाइन। मैं इसको सपोर्ट नहीं दिया था तो, पर फिर भी उसने ऊपर अपना सपोर्ट ले लिया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये सामने ऊपर पे मेरे जो हैं यहाँ पे रखे हुए हैं कुछ प्लांट्स, इस स्लिप के ऊपर रखे रहते हैं मेरे फ्रंट में। इसमें मेरे पास जो है जेरेनियम भी है, और मेरे पास कम से कम 11 कलर के जेरेनियम है दोस्तों। ये देखिए, जरबेरा खिल रहे हैं अच्छे से, जरबेरा है यहाँ पे रखे हुए मैंने, और मधुकामनी है। और इन्हीं सब की आज मैं क्या कर रही हूँ, इन सबको यहाँ से दोनों उससे निकालूँगी पिलर में से। और इस पिलर में 8 प्लांट्स रखे हुए हैं दोस्तों, मैंने 8 गमले रखे हैं, तो आज मैं इनको निकालती हूँ। और सभी जेरेनियम है, तो आपको दिखाती हूँ कि इस वक्त पे आपको क्या क्या काम उससे रिलेटेड करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इनकी क्लीनिंग करूँगी नीचे से। पहले आप देख लीजिए साफ़ सुथरे होकर कैसे लग रहे हैं मेरे प्लांट। ये देखें, ये भी मुसंडा है, ये एक वैरायटी, और इस पर इस टाइम पर फ्लावरिंग हो रही है बहुत अच्छे से। तो क्योंकि ये जो हम केयर टाइम से करते हैं उसका नतीजा ही होता है दोस्तों, जो हमें अच्छे से भर भर के फ्लावरिंग मिलती है। मेरी जेरेनियम देखिए बहुत टाइम से फ्लावरिंग कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे से मैंने सारे जेरेनियम अपने नीचे निकाल दिए हैं एक पिलर के। और अब मैं क्या कर रही हूँ, सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना है, जितने भी सूखे पत्ते होते हैं वो निकालने हैं। और इस तरह से देखिए गुड़ाई करिए अपने गमले की, क्योंकि एक हफ्ते में कम से कम एक बार गुड़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। जिससे क्या है, एयर का सर्कुलेशन बना रहता है, प्लांट्स अपना आराम से जो है अच्छे से ग्रो होते हैं। देखिए, ये वाली वैरायटी एक नई ऐड करी है मैंने, और इसके जो है ऊपर से सूखे फूल थे वो सब मैंने निकाल दिए हैं कट करके। तो ये काम ज़रूरी है दोस्तों, तभी आपका प्लांट एक अच्छा सा प्लांट, हेल्दी प्लांट ग्रो होगा। और जब हेल्दी प्लांट होगा तभी वो अच्छे से फ्लावरिंग देगा। तो जितने सूखे पत्ते हैं, फ्लावर हैं जो हैं, सब निकालते रहिए, क्योंकि जेरेनियम में कुछ कुछ टाइम बाद पत्ते सूखते रहते हैं दोस्तों। तो वो सब हमें हटाना है, अपने प्लांट को भी चेक करना है। क्योंकि देखिए, जैसे ये मैं काट लूँ दोस्तों, इसमें जो है ना आपके पास जो है ख़राब होने के भी चांसेस बहुत होते हैं, तो थोड़ा ऑब्जर्व करना है। इसकी मैंने एक स्टैंप निकाल ली है, क्योंकि ये एक पेड़ बनाने के लिए, कि अगर बरसात में मेरा पेड़ ख़राब भी हो तो मेरे पास नेक्स्ट पेड़ बचा रहे। क्योंकि बरसात जैसी आएगी दोस्तों, तो ये प्लांट ख़राब होने भी शुरू हो जाते हैं। तो ये सब देखिए, इस तरह से कटिंग करनी है हमें, और जो सूखी टहनियाँ हैं, सूखे पत्ते सब निकालना है दोस्तों। और सबको मैं क्या करूँगी, एक बार अच्छे से गुड़ाई करके, और फिर ये देखिए, देख रहे हैं आप, ये सूखी टहनी हो चुकी है, तो इसको अब मैं क्या करूँगी, कट कर देती हूँ। तो ये चीज़ें हमें ऑब्जर्व करते रहना है अपने प्लांट में, नहीं तो क्या करेगा, आपका प्लांट धीरे धीरे करके ख़राब होता चला जाएगा। तो आपको ये ज़रूर ध्यान करना है। तो ये देखिए, अब मैं इसमें से भी एक टहनी निकाल के रख लूँगी, क्योंकि मुझे कुछ प्लांट बना के रख लेने हैं, क्योंकि जो मुझे पता है कि हर बार मेरे प्लांट ख़राब होते हैं, तो मैं ऐसे ही इनको टाइम से इनके 2-3 बेबी प्लांट बना के रख लेती हूँ, जिससे मेरे प्लांट चल जाते हैं दोस्तों। तो अब मैंने ये कटिंग करके इससे भी रख ले रही हूँ, और मैंने कुछ पेड़ पहले से भी लगा रखे हैं, तो इनको मैं ऑप्शन के लिए देखिए रख के रखती हूँ। क्योंकि कोई भी पेड़ वो नहीं होना चाहिए, कम से कम 2-2 प्लांट एक उसके होने चाहिए। नहीं तो आप नर्सरी से लाएंगे ना फ्रेंड, तो 150 रुपीज़ का कम से कम एक प्लांट आपको छोटा सा मिलेगा, एक टहनी लगा हुआ। तो देखिए, इतने अच्छे से मैंने इसमें गुड़ाई कर दी है। और गुड़ाई करने के बाद जो है, अभी मैं क्या करूँगी, इनको आज पूरा एक टाइम पानी नहीं दूँगी दोस्तों, पूरा दिन भर इनको ऐसे ही रहने दूँगी। और फिर इनको जो मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ दोस्तों, वो मैंने बना के रखे हैं अपना, तो वो दूँगी उसके बाद। तो क्योंकि इस तरह से करने से क्या होता है,
प्लांट दिन भर सूखी मट्टी रहती है तो प्लांट उसको अच्छे से एब्जॉर्व करता है। और ये देखिए दोस्तों, एक अपने आप से बेबी प्लांट इसमें नीचे जेरेनियम का जम गया है, बीज गिरा होगा क्योंकि हर प्लांट में बीज नहीं आता फ्लावर में, लेकिन कुछ एक आते हैं जिसमें फ्लावर में सीड्स आते हैं, तो उससे अपने आप ही वो जर्मिनेट हो गया है। तो इसको मैं इसी के नीचे लगा देती हूँ, कौन सा कलर है पता नहीं, पर मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया है। तो देखिए अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखिए इतने अच्छे से इसकी गुड़ाई कीजिए अपने प्लांट की टाइम टू टाइम। मैंने देखो दोस्तों पहले भी इसमें फर्टिलाइज़र है, 15 दिन कम से कम मैं देती रहती हूँ। और ये देखिए ऊपर मैंने इसकी पूरी क्लीनिंग कर दी है। और अब मैं इस क्लीनिंग के बाद क्या करूँगी, यहाँ पे अपना जो है प्लांट्स को रखूँगी। तो यहाँ पे देखिए इसमें मेरा जो है बोगेनविलिया लगा हुआ है ऑरेंज कलर का, अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है दोस्तों। तो अब मुझे क्या करना है, इस प्लांटर को भी मेरे को खाली करना है दोस्तों, क्योंकि ये जो है ना वही वाले प्लांट, इसमें ढंग से अच्छे से प्लांट्स खिल नहीं रहा है अभी। तो ये देखो मैंने सब रख दिए हैं क्लीनिंग करके, तो कितने सुंदर लग रहे हैं ना आपको भी देखे। अब मैं इसको दिन भर अभी पानी नहीं दूंगी दोस्तों, इनको मैं अब पानी शाम के वक्त दूंगी। चाहे कोई सा भी आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र डाल दीजिए, मैं हर बार बताती रहती हूँ, आप कोई सा भी डाल सकते हैं। तो देखिए अब मैंने ये दूसरी वाली स्लिप है इसको भी खाली कर दिया है दोस्तों। और अब मैं इनके जितने सूखे पत्ते हैं देखिए मैं सब निकालती रहती हूँ, इस प्लांट से भी मैंने सूखे पत्ते निकाले और यहाँ से देखो क्लीनिंग कर रही हूँ, क्योंकि मिट्टी थोड़ा थोड़ा निकलती ही रहती है और हमारा गमला खराब नीचे जो है गंदगी हो जाती है, देख रहे हैं आप कितनी। तो अब मैं यहाँ सारी क्लीनिंग करके और दोबारा से इसमें अपने प्लांट सफाई के साथ रखूँगी। तो ये केयर हमें अपने प्लांट की करते रहना चाहिए, तभी आपका प्लांट हेल्दी चलेगा दोस्तों। तो मैं तो क्या करती हूँ दोस्तों, काफ़ी सारे प्लांट होने की वजह से कभी कोई चीज़ कभी कहीं का ऐसे करती रहती हूँ, और पर ऑब्जर्व अपने सारे प्लांट्स को करती रहती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे प्लांट ख़राब नहीं होते दोस्तों, लेकिन होते हैं अगर हम थोड़ा सेफ्टी मेजर पहले ले लें तो हमारे ख़राब होने से बच जाएँ प्लांट। तो देखिए यहाँ पर इसके अंदर एक वो जो हो रखा है विनका, मैंने उखाड़ा नहीं उसे उसी में रहने दे रही हूँ, कि जिससे क्या है दोबारे से जब फ्लावर होंगे तब तक फ़िलहाल इसको ऐसे ही रहने दूंगी मैं। तो यहाँ देखिए इसमें यहाँ पे लगा के मैंने क्लीनिंग कर दी है इसकी भी। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इनको भी मैं धूप में रखती हूँ। और यहाँ पर ये देखिए ये है पेंटस में भी वाइट कलर का है, पिंक मेरे पास है, डार्क पिंक लाइट पिंक पेंटस है, और ये है वाइट कलर का लाई थी। तो ये भी अच्छे से हो रहा है, इसकी भी मैं जब बरसात आएगी ना दोस्तों तो इसकी भी मैं कटिंग करूँगी। और जब ये फूल खिल जाते हैं ना उस पोर्शन को तोड़ दीजिए दोस्तों। पेंटस में आप देखना जब कली खिल जाती है तो उसके उसमें फंगस टाइप का वाइट आपको दिखाई देगा, इसलिए उस वो लगे फंगस उससे पहले हमें हटा देना चाहिए। और यहाँ पर देखिए मधुकामनी आपके सामने लेकर आई थी, रिपोर्टिंग भी करी थी दोस्तों, आप देख सकते हैं आप इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होने का टाइम हो गया स्टार्ट, फ्लावर्स बर्ड्स बने हुए हैं। तो हमें क्या करना है, उससे पहले इसको थोड़ी थोड़ी बीच बीच में खाद देती रहनी चाहिए लिक्विड फर्टिलाइज़र के फॉर्म में, जो उसकी फ्लावरिंग के लिए भी हेल्प करेगा और उसमें आगे हेल्दी भी प्लांट ग्रो होगा। तो ये देखो यहाँ पे एक चौलाई का पेड़ हो गया है, इसको मैं निकाल के नीचे किचन गार्डन में लगाऊंगी दोस्तों। और ये मेरा जरबेरा है, जरबेरा भी बहुत अच्छे से चल रहे हैं दोस्तों। जरबेरा भी जब दिक्कत का टाइम उनका होता है बरसात में ये ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं दोस्तों, इस टाइम पर ये अच्छे से चल जाते हैं। तो हमें क्या करना है, इनका भी इसी तरह से फर्टिलाइज़र देना है, सूखे पत्ते निकालने हैं, सब कुछ करना है दोस्तों, तब जाके हमारे प्लांट अच्छे हेल्दी ग्रो होंगे। और ये स्टार जैस्मिन थी, लगा रखी है अभी रिसेंटली मैंने लगाई है, इसमें भी नई नई आपको देखेंगे तो पत्तियाँ आने लग रही हैं और नई सी, तो इसको भी इसी तरह से मैं सबको ऐसे ही रखूँगी दोस्तों धूप में रख के, और तब शाम के वक्त इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र कोई सा भी डाल दूंगी दोस्तों। फ़िलहाल जो है मैंने बना रखा है काऊ डंग का, तो मैं वो डालूँगी, तो आप भी डाल सकते हैं 15 दिन में, हफ्ते में, जब आपको टाइम लगे थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए दोस्तों। तो अगर दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, जिससे इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन आप तक मिलती रहे और आप भी उससे अपने प्लांट्स की केयर करने में आपको भी हेल्प मिले दोस्तों। ये देखिए, तो ये सब काम करते रहिए और इन्जॉय कीजिए गार्डनिंग को, और जब आप इस तरह से उनका ख्याल रखेंगे फ्रेंड, तो आपके प्लांट आपके साथ हेल्दी बने रहेंगे और बहुत अच्छे से चलेंगे और फुल ब्लूमिंग देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सारे रख दिए हैं और लग रहे हैं ना अच्छे दोस्तों, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप भी इसी तरह से अपने जेरेनियम हो, चाहे जरबेरा हो, चाहे कोई सा भी प्लांट हो, उसकी केयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे, ओके बाय फ्रेंड्स।